Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends and viewers. Welcome to Jobs MCQs page and YouTube channel. Friends, आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड, ये 16 तारीख को असिस्टेंट का पेपर हुआ था PPSC में के ज़रिए. तो फ्रेंड, इसके कुछ MCQs मेरे पास हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा. तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिले. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्ला परमानेंटली टू. तो ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड, हज़रत उस्मान बिन तलहा. तो ये फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान वॉन ओनली वन गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट्स ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2018. पाकिस्तान ने 2018 में कौन सी गेम में गोल्ड मेडल जीता था. तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑफ रेसलिंग. सही है फ्रेंड. इसके बाद नीचे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, OECD HQ, ये स्टैंड फॉर, तो ये किस चीज़ का स्टैंड है. ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट. हेडक्वार्टर जो इसका है वो पेरिस में है, फ्रांस में है. सही है फ्रेंड्स, ये इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये जी है, एफ नहीं है. इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाल नॉर्थ एंड रूपाल साउथ इन विच रेंज. तो फ्रेंड, ये रूपाल नॉर्थ और साउथ ये किस रेंज में है. तो ये फ्रेंड हिमालय में है. सही है फ्रेंड्स, ये हिमालय कई मुल्कों में फैली हुई है. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बॉन्डी बीच इन विच कंट्री. तो बॉन्डी बीच जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स. सही है फ्रेंड. नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय. तो वाटर का जो हार्डनेस होता है वो किस चीज़ से ख़त्म करते हैं, बॉइलिंग इट विच Na2CO3. सही है फ्रेंड्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल एक्शन प्लान इस्टेब्लिश. तो फ्रेंड, नेशनल एक्शन प्लान जो इस्टेब्लिश था, दी नेशनल एक्शन प्लान अनाउंस्ड ऑन 25 दिसंबर 2014 बाई प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन 20 पॉइंट्स काउंटर टेररिज्म प्लान. तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है जो मैंने आपको बता दिया है. कैंडली इसको देख लें और जहन में सेव कर लें. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ. ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर इस तरह है, दी सेंट्रल बेंच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द गेंज रिवर डेल्टा इन बांग्लादेश. ये बांग्लादेश में है फ्रेंड्स. सही है. एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया, और बंगाल के वेस्ट में है. दी वर्चुअल मैंग्रोव इन तमिलनाडु इंडियन एंड द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो फ्रेंड्स, ये आप इसको से पढ़ लें, ये इसका राइट आंसर है. इसके बाद फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगोत्री बीच इन विच कंट्री. तो गंगोत्री बीच जो है ये इंडिया में है फ्रेंड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मसाद से हाल ही किस साल में शाया हुई. तो ये 1879 में शाया हुई. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है. तो फ्रेंड, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसके पहले मिसरे में अक्सर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है. तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, पहला शेर जो होता है वो मतला होता है और आखिरी जो होता है वो मक्ता होता है. इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टैटू फकत रैंक नावल वाई. तो ये ताऊस फकत
रैंक नावल भाई, तो ये किसने लिखे? ताऊ फकत रंग नीलम अहमद बशीर का एक खूबसूरत बयानिया नावल है, ये किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर इश्क में अपना मकाम पैदा कर, ये अलम इकबाल ने लिखे हैं फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वेन बैतुल मुकद्दस कंक्वायर, ये कब फतह हुआ था? 16 हिजरी 637 को ये फतह हुआ था बैतुल मुकद्दस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट एनर्जेटिक? फोटोन, तो ये गेमा रेज जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप? तो इसका है मुस्तर, उधर भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हेन हज कंपलसरी? तो ये हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ था। ये फ्रेंड आप देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड डिज़ाइन स्लाइड लेआउट इन विच मेन्यू? तो ये फॉर्मेट मेन्यू में सब कुछ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर तिरावी बाई? तो ये मोहम्मद खान ने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन नंबर 21, बबाई उर्दू बबाई कौम कायद, ये कायद कवायद की रूह से क्या है? तो ये कवायद की रूह से लकब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आजम वेन कायद आजम लेफ्ट कांग्रेस? तो कायद आजम ने 1920 में रिज़ाइन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वीर जदी मोहम्मद अली जिना यानी कायद आजम सफरिंग, तो वो लंग एलिमेंट तब तक बीमारी थी उसमें मुब्तला थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच मूवी पाकिस्तानी एक्टर प्ले विद श्रीदेवी? तो वो मॉम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ताइक्वांडो फ्रॉम विच कंट्री? ताइक्वांडो कोरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, ईदी अमीन डाइड इन विच कंट्री? तो वो सऊदी अरबिया में 2003 में फौत हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ मेनी मेंबर ऑफ ओआईसी के 57 मेंबर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी, विच पाकिस्तानी सेक्रेटरी ऑफ ओआईसी? तो ये सईद शरीफुल्ला पीरजादा 1984 to 1988 थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो है 180 डिग्री होते हैं, सही है फ्रेंड्स, इसका मजमूआ। एक क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ऑफ, तो ये ग्रैंड डेनिंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31, नेम ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग कॉइन बाई? तो ये नवाब सलीमुल्लाह खान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका पर्पस क्या था? तो इसका दिस एम वाज द ऑब्टेन अ ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियन एंड द क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविक एंड पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन एंड द ब्रिटिश राज। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, कवर ऑफ काबा इस कॉल्ड? तो इसको कस्बा बोलते हैं और गिलाफ उर्दू में बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी टाइम नमाज मेंशन हुई थी होली कुरान? तो वो 700 मरतबा मेंशन हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35, अ वर्स ऑफ होली कुरान विच सहाबी नेम? तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह का नाम कुरान पाक में आया है, ये पहले सहाबी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कारीज सिस्टम इन विच प्रोविंस फ्रेंड? तो ये PDS में भी आया था, CDS में भी आया था, तो ये बलूचिस्तान में अब भी कारीज सिस्टम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, एडल्ट्रेट स्पेलिंग, तो फ्रेंड उधर ये गलत लिखा था, तो ये इसका राइट स्पेलिंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री इज़ नॉट लैंड लॉक? तो बर्मा लैंड लॉक कंट्री नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स की जो चीफ मिनिस्टर है वो शेरी मदारी है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, MDG स्टैंड फॉर, तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41, विच विटामिन क्लोथिंग आ ब्लड, तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है विटामिन के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42, थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय, तो ये गैलीलियो ने ईजाद किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज प्रेजेंटेड बाय, तो ये सर आदमजी पीर बाई थे। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच इज अंकोर वाट, तो ये अंकोर वाट इज एंथिनेंट सिटी ऑफ, ये कंबोडिया की एक सिटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45, सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ, तो ये थाईलैंड का पुराना नाम है। इसके बाद फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सीरीज आपको दिया हुआ है, मैंने इसको एक्सप्लेनेशन की हुई है, तो ये आप इस तरह से करें, इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है, फर्स्ट वुमन पीएम फ्रॉम विच कंट्री, तो फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर है जो फीमेल थी यानी वुमन थी, वो श्रीलंका से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच व्हेन क्वेटा डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक, तो क्वेटा जो है 31 मई 1935 को तबाह हुआ था, और पाकिस्तान में एक और जलजला भी आया था जो 2005 को आया था बालाकोट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, जामिया मिलिया इस्टेब्लिश इन 1920 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट विजिट पाकिस्तान इन 1947, तो ये कुवैत के अमीर ने पाकिस्तान के का विजिट किया था 1947 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वॉज लियाकत अली खान असेंटेड, तो ये 16 अक्टूबर 1951 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, सायरिया इज सिचुएटेड इन विच कंटिनेंट, तो ये साउथ वेस्टर्न एशिया में है। फ्रेंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।